आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया है। भारत की दो सरकारी तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रूसी कंपनी के साथ तेल खरीदने को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही थी, जो अब फेल हो गई है। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के दाम 13 हफ्तों के हाई लेवल पर पहुंच गए हैं और रुपया भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ने का सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $124 प्रति बैरल पर पहुंच गया। ये 13 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान हो रहा है और आगे घाटे को कम करने के लिए जनता पर बोझ डाला जा सकता है। यह बोझ पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। ऐसे में अगर रूस से भारत को कच्चा तेल नहीं मिलता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।